बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो नज़म हम पढ़ने वाले हैं उसका उनवान है नात। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। जो नात आज हम पढ़ने वाले हैं इसके शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबसे पहले हम इस नात के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी को देख लेते हैं। दरगुजर, दरगुजर के मानी है माफ़ करना। अगला लफ्ज़ है बद अंदेश, बद अंदेश के मानी है बुरा चाहने वाला। उससे आगे है मलजा और मलजा के मानी है जाए पनाह। उससे अगला लफ्ज़ है मावा, मावा के मानी है घर ठिकाना। अगला लफ्ज़ है नुस्खा कीमिया और नुस्खा कीमिया के मानी है सोना बनाने का तरीका, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद कुरान पाक है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कुंदन और कुंदन के मानी है खालिस सोना। इससे अगला लफ्ज़ है काया, काया के मानी है हालत। उससे अगला लफ्ज़ है बेड़ा और बेड़ा के मानी है कश्ती। उससे अगला लफ्ज़ है ज़ेरो, ज़बर करना यानी तहो बाला कर देना, तबाहो बर्बाद कर देना। शीरो शकर करना, इसके मानी है दोस्ती करना। कर्न, कर्न के मानी है सदी यानी सौ साल। उससे अगला लफ्ज़ है मिसे खाम, मिसे खाम के मानी है कच्चा तांबा यानी खाम तांबा। आइए तो अब इसके पहले बंद को देखते हैं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। सबसे पहले हम इस बंद में मौजूद मुश्किल अल्फाज और उनके मानी को देखते हैं। लकब, किसी ख़ास खूबी की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे लकब कहते हैं। मुरादें, मुरादें के मानी हैं ख्वाहिशें। बरलाने वाला, पूरी करने वाला। गम खाने वाला, फिक्र करने वाला। मलजा, मलजा के मानी है जाए पनाह। मावा, मावा के मानी है ठिकाना, घर। वाली, वाली के मानी है मददगार, हिमायती। और मौला के मानी है आका, मालिक। जी प्यारे बच्चों, नात के इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमतल आलमीन बनाकर भेजा गया है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, आपकी आमद से गरीबों की भी मुरादें ख्वाहिशें पूरी हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापा रहमत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादें ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशान कुन हालात में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गैरों का भी साथ दिया। वो अपने पराए का गम खाने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अपनों की फ़िक्र नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनों के लिए परेशान नहीं होते थे, आपको गैरों की भी इतनी ही फ़िक्र होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की परेशानियाँ भी दूर फरमाते और उनके भी काम आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादार लोगों की और बेचारों की पनागाह थे और बेकसों और बेसहारा लोगों के लिए भी ठिकाना थे। यतीमों के वाली यानी लावारसों और यतीमों के मददगार थे, उनकी भी सरपरस्ती फरमाते थे। और ग़ुलामों के मौला और आका थे, मालिक थे, उनके साथ भी बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए बायस रहमत थे और सबके लिए यकसा गम और फिक्र करते थे और सबके ही काम आते, चाहे वो अपने होते या फिर गैर होते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल आलमीन कहा गया है। प्यारे बच्चों, नात अभी हमारी मुकम्मल नहीं हुई है। नात के बकिया बंद हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।